Hello and assalamu alaikum. Welcome to Ball Nights with Ahsan Khan. Umeed karta hoon aap sab khairiyat se hain. I hope you guys are well, having fun, great life. So we have your and my favorite guest today. As usual, hamare bahut zabardast guest hain aur aap logon ka bahut acha feedback aa raha hai aur mujhe bahut maza aa raha hai kyunki apne doston se waise to hum mulaqat karte hain lekin is show ke bahane se sabse mulaqat bhi hoti hai aur maze ki gupshup bhi hoti hai aur phir aap logon ka feedback itna acha hai that I am quite surprised. एक और हमने सेगमेंट शुरू ये किया है कि जो आप लोग सवाल हमसे करते रहेंगे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू वही सवाल हम अपने सेलिब्रिटी से करेंगे तो चल के देखते हैं कि हमारी पहली सेलिब्रिटी कौन है. So guys, let's welcome the one and only Sanam Jung. Sanam, कैसी आप? So good to see you. Please bed here. Thank you so much. If you don't mind, मैं ये नीचे. Please. All right. आपका अपना ही घर है, इसको अपना घर समझे. Wonderful. Okay guys, so let's move on और देखते हैं हमारे अगले गेस्ट कौन. So let's welcome Agha Ali. Agha. Welcome, yaar. We dressed up almost same. The same? Black, yeah. My favorite man. Hi, Sanam. How are you? Long time. Oh, Sanam's also in black, yaar. Ye to main dekh. Wow. Oh, wonderful. Please, Agha, have a seat. Well, thank you so much. Yaar, ye aate, ye jo action tha na, camera ko dekh ke, yun karna, ye kya tha, yaar? It's Agha Ali, man. I mean, what do you mean? Okay, matlab ye sab show mein Agha. Girls like him, yaar. Of course. Crazy. वैसे तो मैं पहला सवाल ही ये करने लगा था, लेकिन जरा ठहर के करूंगा ये वाला सवाल. जल्दी हो गया. सवाल यहाँ से आने वाला है ना. I am so prepared. नहीं, I make sure my guests are very comfortable. And I will see to this, Agha. कि मेरे शो पे ना कुछ नहीं पता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा और यहाँ कितना पता चलता है. I'll see यार. वो जो boy talk होती है ना होती है लड़कियों के साथ थोड़ी सी जरा मतलब you know एक respect. And then this man here, I've been a fan. Then I worked with him. Then I got to direct him for a day. Really? Yeah, that all happened. And he does not know that how big of a fan I was when he did films in the beginning. अरे थैंक यू यार आगा थैंक यू. बिलो वाला गाना इन निकाल. यस ओह माय गॉड. आई रिमेंबर ऑल. यस वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके गाइस, सरव व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं. मैं आजकल क्या हो रहा है? आजकल सो काम हो रहा है. पहले 2 घंटे होता था, अब पूरे दिन होता है. एक्टिंग कर रही हूँ एंड इट्स फन. इट्स गुड टू बी बैक इन द सीन एंड मजा आने लगा. कभी कभी लगता है कि उफ भूल गई हूँ क्या है, लेकिन उसका भी अपना मजा है. शो के दौरान, होस्टिंग के दौरान एक्टिंग बहुत कम की. बिल्कुल ठीक है. अब अचानक से एक शिफ्ट है. हाँ. एक्टिंग ज्यादा हो रही है. इज इट लिटिल डिफिकल्ट? वेल इनिशियली मैं बहुत घबरा रही थी. मैं बहुत डर रही थी कि यार मैं भूल गई होंगी, कैसे करूंगी. लेकिन एक्टिंग करना भूल गई होंगी. एक्टिंग करना नहीं आ रहा था. एक्टिंग इज लाइक स्विमिंग, यू नो, यू थिंक दैट आपने 5 साल से स्विमिंग नहीं की, बट आप पानी में जाते हैं तो आप कर लेते हैं. आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं कि सही टाइम पे जो टाइम होता है, यू नो, अगर कोई बहुत इमोशनल सीन हो, सही टाइम पे फील नहीं आया, यू नो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू जस्ट लाइक ओ नहीं हो रहा, बट शुक्र हो रहा है, शुक्र अल्लाह का. क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. ओके लवली. नहीं, एक्चुअली जो मुझे नाम पता है ना, वो फाइनल नहीं है. तो मैं कहने वाली थी, मैंने कहा कि फाइनल नहीं है तो कैसे. सो यू विल अनाउंस इट व्हेन वंस इट्स फाइनलाइज्ड एंड एवरीथिंग. अभी तक देयर डिसाइड. ऑन एयर जल्दी होगा, 1-2-3 महीने में? बिल्कुल. ओके, सो वी आर गोना वॉच यू इन व्हाट काइंड ऑफ रोल? कोई बहुत इमोशनल, किस तरह का कैरेक्टर है? कोई नेगेटिव, पॉजिटिव, रोने धोने वाली लड़की, क्या कैरेक्टर? नेगेटिव, बट देयर आर एलिमेंट्स जहां लोग कहेंगे कि ये क्या कर रही है, ये गलत कर रही है. Okay. And then there are elements जब वो कहेंगे कि यार बिचारी, and there are elements जब वो कहेंगे कि यार यही गलत है. ठीक है, जबरदस्त. आगा क्या हो रहा है आजकल यार? मतलब उन चीजों के अलावा जो यूजुअली आप करते हैं, मतलब के अलावा भाई? नहीं, आप माशाल्लाह. Let's just come to the point. यार स्पेशल आपका देखिए स्पेशल. अबे यार उसे मजाक आई मेंट के चलो माशाल्लाह. Apart from all of that, what is the special project you want to talk about here today? कि यार ये मैं कर रहा हूँ. Yeah, there's a project that I'm doing for a private television, the channel. Shaq sir, उसके शकीले खान उसके director है, and it's a very sweet story. It's like a triangle, and so it's fun. I mean, acting, and हमें unfortunately काफी मिलते-जुलते script आते हैं. But recently this project बंद खिड़की did wonders for me, and it was lovely playing the character design. कौन सा character play कर रहे हैं? बहुत मजा आता है. Emotional? I think very emotional kind of character. Yeah, I think the जो हमारे पास जो डब्बा है जिसमें हमें script आता है जो boundaries के अंदर, I think the anti-hero is always going to win.
उसके पास एक अगर एक स्क्रिप्ट है या द बैड बॉय थोड़ा मार्जिन भी क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 99% बैड बॉयज को फिर ट्रांसफॉर्म होके गुड बॉय बनना होता है एंड में तो फिर वो सिंपैथी भी ले जाते हैं सारी एंड में सो आई थिंक एवरी टाइम आई डिड इट आई एम अ लिटिल यू नो कभी-कभी ये जो बहुत विलन को जब हीरो पेंट करते हैं इट हैपेंड टू यू आई मीन नो आई वाज इम्तियाज वाज बट आई वाज विलन तो आई डाइड विलन इन दैट ही एक्टेड सो वेल ही इज पीपल आई मीन ही इज अहसन खान आई मीन नो लिसन गाइस दिस शो इज अबाउट यू दिस शो इज अबाउट यू बोथ इट्स नॉट अबाउट मी वेट रिलैक्स मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी-कभी हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं जो मेन पार्ट होता है मेन लड़का प्ले का और वो बहुत बुरा कर रहा होता है बहुत से प्रोजेक्ट में ड्रामे में बहुत और वो एंड में अचानक से उसके ऊपर सारी सिंपैथी और उसको अच्छा कर देते हैं लड़की ने माफ कर दिया मुझे इसमें थोड़ा सा इतराज होता है कि बिकॉज़ उसको रियलाइज हो जाता है आप देखो जो मैसेज हम दे रहे ऑल द टाइम हमेशा ऑल द टाइम हमेशा यार और लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए बट देयर आर टाइम्स इफ दे रियलाइज इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर ओके दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग डिबेट बट हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जनाब सनम जी कहीं पे बैठ के कहा कि एहसन इज वेरी डिफिकल्ट होस्ट टू वर्क विद क्या सीन था पता ऐसा कुछ कहा मैंने सुना नहीं मैंने लेकिन मैंने सुना नाउ वी आर टॉकिंग नाउ कहा नाउ वी आर टॉकिंग क्या मतलब मैंने क्या डिफिकल्टी थी भाई अब ये जरा मेरे शो में बताओ और सच बताओ सना बी ऑनेस्ट व्हाई इज ही डिफिकल्ट होस्ट टू वर्क विद आई विल टेल यू व्हाई ही इज अ डिफिकल्ट ही इज नॉट अ डिफिकल्ट आई सेड कंपेटिटिव क्या बोला आई सेड कंपेटिटिव ओके आई डोंट नो इफ आई सेड डिफिकल्ट डिड आई से कंपेटिटिव इज ओके आई डोंट नो बिकॉज़ व्हाट द आर्टिकल आई रेड एंड आई सेंट आगा मैंने इसको आर्टिकल भेजा मैंने कहा क्या बोला भाई Sanam took a dig at SM. What was that, yaar? अच्छा बताओ क्या देखिए आपको पता है जिस तरह के शोज होते हैं मॉर्निंग शोज होते हैं या जनरली कोई भी शो होता है तो वो इस तरह की चीजें ना उसमें शोज में से पुल आउट करते हैं इस तरह सोशल मीडिया अपने क्लिक्स बढ़ाने के लिए तो उन्होंने मैं भी जब आपने मुझे भेजा मैं भी परेशान होगी मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या कह दिया यार ओह गॉड तो फिर मैंने भी वो देखी पूरी क्लिप मैंने कहा यार जिस तरह से मैंने कहा है उनको उसने जिस तरह लिखा है वो बहुत अलग है कि सनम टेक्स अ डिग एट एहसन खान ऐसा कुछ नहीं था वसीम बदामी के शो पे मैं थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि एहसन खान के साथ आपको शो करना पसंद नहीं है या कैसा है एहसन खान नॉट आई डोंट रियली रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ इसको भी पूरा देखे सनम जंग ने वसीम बदामी के बारे में क्या बोला जो भी उन्होंने कहा था सो उसका मतलब ये था कि हाउ इज इट वर्किंग विद एहसन यू नो इज इट डिफिकल्ट वर्किंग विद एहसन तो मैंने बताया कि मैंने और एहसन ने एक शो पे काम किया है और एहसन बड़ी मजे की हरकत करता है वो करता क्या उन्होंने कहा इज ही डोमिनेटिंग मैंने कहा नो ही इज नॉट डोमिनेटिंग अलग तरह की चीज़ करता है अब आगा हम लोग शो करते थे यू नो इट स्टॉप एक्टिंग लाइक दैट ओके हम लोग होस्ट कर रहे हैं सी नाउ ही वांट्स अ स्पेस एंड आई एम अ नाइस गर्ल आई डोंट रियली केयर ओके सी ही वाज एहसन खान बैक देन आल्सो सो आई वाज जस्ट सनम जंग जस्ट स्टार्टेड सो अब क्या होता था ब्रेक हो गई अब ब्रेक के बाद जब लाइव आने वाले होते थे ना आप पर मैं यहाँ बैठे हुए हम दोनों होस्ट हैं अब हमने यहाँ से शुरू करना है ओके जी क्या बात करनी है वो अभी 10, 9 काउंटडाउन दे रहे थे ऐसे उठते हैं काउंटडाउन दे 5, 4, 5, 4 सर मैं कम 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 लेट्स स्टार्ट द शो फ्रॉम हियर एंड नाउ यू डोंट हैव अ क्लू मैंने हील्स पहनी हुई है मैंने हील्स पहनी है वो यार ये दो दफा किया होगा मैंने सर अच्छा दो दफा भी मान रहा है भाई दो मील दूर ऑडियंस के पास अब मैं वहां कहां भाग के जाऊं मैं कहती थी एसएन जाए आप जाए आपको लग रहा है आप बैठे हैं मोनोटोनस वो जो 4-5, 2 घंटे का शो तो यू वांट टू ब्रेक दैट मोनोटोनी तो अपनी सीट से छोड़ के ऑडियंस अचानक से याद आता है आपको बच्चा कोई बच्चा अच्छा लग रहा है आपको कोई खातून है वो आपसे बात करना चाह रही है ऑडियंस ठीक है अच्छा हाँ अच्छा ये बता भाई यू वर गेटिंग मैरिड और बड़ा एक Because हम मैं to be honest शो पे भी हाँ देखा मैंने सुना था देखा अब सनम बेटे झूठ ना बोल मुंह पे झूठ बोल रहा है यार When was I getting दुनिया सारी देख रही है सारी दुनिया it happens अगर नहीं भी हो रही तो मैं that's why I'm asking no I would see मैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि हम कुछ नहीं छुपाते और गलत बात भी है शायद ये पर फिर भी बता देते I wasn't really getting मतलब getting married ऐसे हो गया जैसे कार्ड वार्ड छप गए थे and you know I was planning to I had all my good intentions with that, but then again, it didn't happen, so it's okay. Okay, so you've moved on now. Well, yeah. Because honestly, Sanam, I did not know this. मैं आगा जब आज मेरे शो पे आया तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि they are not getting married. मुझे लगा कि शायद आगा की शादी हो रही है. आगा ने बताया नहीं चुपके से शादी कर ली लाहौर में. अच्छा.
किस तरह की लड़की के साथ सेटल हो सकते हो, क्या लगता है? यार जो वो बोले वो वही हो, और वो 10 दिन बाद भी वही हो, और वो 2 साल बाद भी वही हो, और वो 20 साल बाद भी वही हो. Is that a taunt? No, I'm just, that's my only wish now in life. So जो भी जिंदगी में आया, सो दिस इज व्हाट आपको लगा कि मिसिंग था हर किसी में? हर किसी में नहीं, सब में अलग अलग चीजें मिसिंग थी. सब में से क्या मतलब है ये मुझे स्टोरी नहीं पता. सब अलग अलग मिसिंग, अलग अलग 10-15 चेक कर चुके रिश्ते. कहने का मतलब ये क्योंकि सनम ने खुद ही कहा था, यू फॉल इन लव एंड देन यू गेट आउट एंड देन यू मूव ऑन एंड यू फॉल इन लव अगेन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक मिनट, 2.5-3 साल में या 4 साल में पीपल चेंज ऑल्सो, यानी आपकी ग्रोथ होती है हर लिहाज से. आप 4 साल पहले वाले आप भी वो नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, सारे भी नहीं, बट रिलेशनशिप में भी जब आप होते हैं तो यू हैव टू ग्रो विद पीपल. या आई नो, आई टोटली गेट दैट. आई वुड अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही डिटेल में जाऊँ, बिकॉज अब कोई और इंसान भी इन्वॉल्व होगा. लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दैट व्हेन यू लाइक द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, द गोल्स दैट यू हैव, अगर वो दो लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार हाँ हम दोनों को लाइफ से एक ही चीज़ चाहिए, यू नो दैट्स सो कूल, एंड देन वंस वो दूसरा आदमी दूसरा इंसान और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत खराबियां पैदा हो जाती हैं जिंदगी में. खैर दिस इज योर पर्सनल थिंग, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ही वाज गेटिंग मैरिज से सवाल किया, बट आई टोटली फील दैट इज योर पर्सनल थिंग, बट आई स्टिल आस्क्ड यू, आई ट्राइड माय बेस्ट. आई फील बिकॉज़ दोस्ती है तो इसलिए, और लोगों को एक बात क्यूरियोसिटी भी होती है. मुझे जब आप लोगों के बारे में ये लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब आप उनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, और मैंने फेसबुक पे जब बताया कि सनम एंड आगा आर कमिंग, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही ये आए. सनम यू हैव माशाल्लाह अ वेरी you know, इस तरह से एक family setup भी, और because I personally also know you, I was at your wedding. Yeah, thank you. You danced also. Yeah, Nina, me and Harim, right? अच्छा, बचपन से you know your husband, is he the only one you knew ever and you got married to him? Plan था शुरू से? Okay, मेरा बिल्कुल कोई plan नहीं था कि साम से शादी करने का शुरू में, of course, because he was my best buddy, you know, class 8 में वो best friend, और you know मेरा plan नहीं था. फिर we changed schools, A-levels, आगे फिर ना हमारी बातचीत थोड़ी वो हो गया था awkward, अब class 8 में जानते हैं, then A-levels, लड़का पूरा बदल जाता है, मतलब बड़े हो गए हैं सब, तो फिर थोड़ी अलग अलग लाइफ. And then आगे जाके again we got in touch and then I, जो I, मैं उसको बहुत तमीज से बता रही हूँ कि that I got to know Kasam again, that was मेरे university का पहला साल when I started my university. Since then up till now I know him, मतलब इतने साल, मतलब पूरी, मैंने जब आज टीवी ज्वाइन किया था प्ले टीवी एज अ वीजे, उससे पहले से मैं कसाम को जानती थी. तो मेरा जो सफ़र है कसाम के साथ, वो मतलब कि उसने मेरा सब कुछ देखा है ना, कि मतलब अच्छा वक्त बुरा वक्त सब कुछ ही माशाल्लाह. तो अच्छा एक चीज़, क्योंकि वेरी हैप्पी एंड इट शुड बी योर माशाल्लाह वेल सेटल्ड एंड यू नो विद यू हैव चाइल्ड आल्सो एंड एवरीथिंग. एक चीज़ होती है कि शोबिज़ में आने के बाद एक तो लोगों का एक इमेज होता है, आगा आई थिंक यू विल ऑल्सो एग्री, कि आपको टेम्पटेशन भी बहुत होती हैं, चार्म बड़ा होता है, आपके पास ऑप्शंस बड़ी खुल जाती हैं, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इस फील्ड में जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं तो उस चार्म की वजह से वो पिछले लोगों को भूलते भी चले जाते हैं जी, जो कि हमारे सामने एक्सपीरियंसिस भी हैं बहुत से लोगों के जी. सो हाउ कम यू गॉट आउट ऑफ दैट, कि सनम जंग इज ऑलमोस्ट इज लाइक यू नो एवरीवेयर, एक्ट्रेस भी बेस्ट चल रही है, होस्ट भी बेस्ट चल रही है, और यू नो पीपल लाइक यू वेरी मच एंड पीपल मस्ट हैव अप्रोच्ड यू आल्सो, लेकिन उससे कैसे बची, वो क्या फोकस था? ओके एहसन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी ये एम, मुझे कभी एक्टिंग नहीं करनी थी, मुझे कभी होस्टिंग नहीं करनी थी. एक होती है लड़की जिसका ख्वाब होता है होस्ट, जो सोच के आती है कि मुझे ये कुछ एम्बिशन है करना है, हां ख्वाब होता है कि मैं बेस्ट एक्ट्रेस बनूंगी. तो मेरा तो कुछ भी नहीं था ना, मेरा वो मैं पढ़ रही थी और साथ में तुक्का तुक्का तुक्का, मैं कहूँ अच्छा नॉट बैड यार, 30,000 मिल रहे कॉलेज स्टूडेंट को, 30,000 सैलरी मिल रही है, एंड यू जस्ट हैव टू गो 3 डेज अ वीक, सो लाइक मैन वाओ. सो आई वाज जस्ट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द मनी दैट आई वाज गेटिंग एज अ स्टूडेंट, और साथ में वो पॉकेट मनी भी हो रही है. सो थोड़ा थोड़ा करते आई डेंट वॉन्ट टू एक्टिंग भी होती रही, एंड आपको पता है मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ,
तो मैं काम काम से घर काम काम से घर, तो मेरा मुझे लगता है मैंने वो सब देखा ही नहीं, जो वो वाला एक्सपोजर मुझे मिला ही नहीं कि मैं अट्रैक्ट होती या फिर मैं 10 लोगों के साथ बैठ के बात करती। सो बेसिकली यू वर्क विद द राइट काइंड ऑफ पीपल जहां पे कोई अट्रैक्शन। आगा फील्ड में कौन लेके आया आपको? इट वाज ट्रिकी। आई अगेन मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं मीडिया में आऊंगा बिकॉज वालिद साहब भी एक्टर थे और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्टर थे यार। या थैंक यू। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैड। थैंक यू, थैंक यू। सो हमेशा से कीड़ा तो था, पर देन आई मैंने जो थिएटर किया पहली बार कॉलेज में, तो मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। तो मेरा कोई खास ध्यान था। यू सिंग सो वेल यार, इतना अच्छा गाता है यार। थैंक यू। सिंग समथिंग। आई विल। सो मैं वो करना चाहता था, पर वहाँ पे एक डायरेक्टर थे जैन अहमद उस दौर में, उन्होंने स्पॉट किया देन ही गॉट इनटू अ टेलीफिल्म, देन दैट्स हाउ आई मेट अंजुम शहजाद साहब एंड देन आई फिर वो गैप आया, फिर दोबारा शुरू किया देन यू नो माय एनी आई वेंट ऑन। पर जबरदस्त है, वंडरफुल। अच्छा जनाब, हमारी चिट चैट जो है वो जारी है, गपशप सनम और आगा हमारे साथ है, लेकिन हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। So guys, we're back with this next segment और अब देखते ही हैं कि सनम ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करेंगी या आगा करेंगे, और दोनों में से कौन बूझेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से, उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो पहले कौन शुरू करेगा दोनों में से? आगा आप पहले आयो, आप शुरू करो। मैं आपको चांस दे रही हूँ, आप बाद में आ। पहले आप में ट्रेन निकल जाएगी। अच्छा, मुझे मसला नहीं है। ओके फाइन, आई विल गो। ओह वाओ, हे ये स्पिरिट विनर यार। आई एम अ स्पोर्ट यार। यस ओके, आर यू रेडी? क्या करूं? हां बस चूज द नंबर। आगा चूज द नंबर। सबसे पहले मेरा वेरी लकी टाइप का नंबर 7। नंबर 7। ऑलराइट जी, नंबर 7। हाथ कंगन को आरसी क्या? नहीं, ये क्या है? गले में हार। हाँ, गले में हार। सनम ये एक्शन थप्पड़ मारने वाला क्या? ये थप्पड़ मारने वाला एक्शन भी इसमें शामिल है। ये है फर्स्ट वर्ड, ये इतना तो बता सकते हैं। ये पहला वर्ड, पहला वर्ड है हार। ओके, हार। हार भाग। भाग चल। हार चल। I have no idea about okay, wait, wait, let me think. We also have a time limit, guys. Okay, no. Okay. सही है? हार से कौन सा मुहावरा होता है? ये एक्शन दोबारा करना प्लीज सर। सर ये वाला। Okay. हार। डायलॉग टाइप है। डायलॉग भी है और डायलॉग है, सिचुएशन है, एक बड़ी मशहूर और ऐसे लाइन होती है कि इट्स अ पॉपुलर लाइन, यू नो लाइक। बोलो ना। ओके, द टाइम इज अप ऑलमोस्ट, डू यू गिव अप? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं यार। वो हार यही तो कहते हैं, जीत ये थी ना अली। आगे हो गए 3। नंबर 3, ऑलराइट। अल्लाह करे आसान हो भाई, आई टोल्ड यू आई एम रियली बैड एट दिस। फौरन अपना शुरू हो गया। नंबर 3, ऑलराइट जी। मुझे म्याऊ। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ। नाइस, दैट वाज अ नाइस वन। ओके, अनदर वन। ओके जी, आगा चूज। 1। ओके, नंबर 1, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। दांत खट्टे। हां हां। दांत लटक रहे। नहीं, पहला वर्ड है हाथी के दांत दिखाने yes, के। अरे यार, वेरी नाइस, वंडरफुल यार, दैट वाज गुड। अच्छा मैं गेस करता हूं। आगा एक्टिंग भी अच्छी थी यार, ये भी बोलना यार। ये किससे किया था? ये किससे किया था? अभी खत्म नहीं हुआ। हो गया, अब आपकी बारी, जाइए। नहीं तो एक तो कैंसिल हो गया था। 3 कर लिए हमने। ओके, 3 कर लिए जी, हमारी बारी है और मैं करूंगा गंदी गंदी एक्टिंग। ओके, मुझे पसंद है नंबर 10। 10 हमने निकाल लिया है और ये है बोलना दे, ये है It's an easy. It's very easy. मेरे, मेरी, मैं, एक, पहला लव्ज मैं है, मेरी, मैं, मैं कौन हूँ? आगा अली। यार, वो कपड़ों की तरफ ध्यान दे रहा है। Okay. मेरे कपड़े। पहले बोला था मैं,
दूसरा लफ्ज़ कपड़े हाँ बदल बदल रहा हूँ नहीं आता सनम जंग नहीं आता मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ मैं बाल बनाऊँ किसके लिए मुझे नहीं आता तूने सुना मेरे शो पे चला हाँ obviously मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ बचपन में जी अच्छा उसका बचपन जैसा कि आप लोगों ने तुम्हारे बात का बचपन है इस बिल्कुल सनम जंग ने बिल्कुल भी नहीं मतलब थोड़ा सा भी नहीं गैस किया नेक्स्ट नंबर फोर ओके नंबर फोर में क्या है हमारे लिए आइए देखते हैं नाजरीन वेरी इजी हाँ बहुत मतलब बहुत आसान मुझे आता होगा हाँ अगर सनम ये नहीं आता ना तो फिर बस फोर वर्ड्स हाँ दो वर्ड्स सेकंड वर्ड पहले सेकंड वर्ड ठीक है उड़ू देखू तितली तितली उड़ने वाली चीज़ पंछी हाँ पंछी और पर्वत उसका मतलब चील कब्बा अल्टरनेटिव चील है कब्बा है कुत्ता बिल्ला कुत्ता कबूतर कबूतर जा 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 छोटी कबूतर सरम छोटी प्लेन जहाज नहीं सरम छोटी चीज उड़ रही है हर रोज उड़ती है हर जगह बर्ड हाँ इसको मदद अगर मेरी हुई होती ना कसम से मैं यहाँ से गाड़ी लेके चला गया होता चुड़िया हाँ उड़ रहा है उड़ रही है कबूतर है हाँ वैसे लग कबूतर आगा तो कबूतर लग रहा था वो कह रहा है कुछ खा रही है चिड़िया कुछ खा रही है हाँ तो लाइफ में कभी नहीं पता लगेगा मतलब मैं कुछ भी सनम दिस इज सच एन इजी मुहावरा दैट इट्स अनबिलीवेबल मतलब चिड़िया सुनते ही इंसान को पता लग जाता है कितनी चिड़िया है कितनी कितने मुहावरों में चिड़िया है बताओ हाँ चिड़िया चुग गई है ना चुड़िया क्या था चुड़िया चुग गई चुड़िया चुग गई चलो मान लेते चिड़िया इसको हम बिल्कुल नहीं मान सकते अल्लाह माफ करे एक बार सनम को मान के लास्ट वन मान देते सनम को प्लीज कोई भी नंबर आप इसे चूज कर लो आसान नंबर बता दो इससे आसान दुनिया में मुहावरा नहीं आया कभी किसी डब्बे में यार कुछ चिड़िया नंबर 8 जी हां नाज़रीन रखने की क्या बात थी 8 नहीं तो क्या रखते आप देखते हैं हमारे लिए क्या है वेरी सिंपल ये गाना है शुक्र ये तो बता सकते थे ना या हां ऑफ कोर्स ओके रेड लाल पीला हरा नीला नहीं, रंग यही है बट इसका डिफरेंट नाम लाल हाँ, लाल नहीं होठों पे गोरी किसका नाम अच्छा अच्छा गाना आता है अच्छा गाना एक गाना आता है हाँ, फाइनल कंक्लूजन पे फौरन नहीं पहुंचते अच्छा, ना पहले लाल, पहले लाल लाल सही है लाल का कोई और वर्ड है उर्दू में अच्छा ओके सेकंड वर्ड हां सेकंड वर्ड शबनम भी तो नहीं था अच्छा आंखें हां तो पहला वर्ड अभी आंखें ये तकरीबन यही है शराबी आंखें तो लाल तो नहीं यू क्लोज ये ना yeah. ये इसने थोड़ा सा लव चेंज कर दी गाना कौन सा गाना ये कौन सा गा रही अभी आंखें आगे क्या है सिंग सॉन्ग बहन देता हूं बिल्कुल सही से कह गुलाबी आंखें गुलाबी तो सही कहा है ना यार सही बोल रहा यार नहीं ये मैंने पहचाना है गाना बहुत ही कमाल का ये मान लेते हैं हुनरमंदी का जो ये सेगमेंट रहा है सनम दोनों में से किसे ज्यादा अच्छा गेस किया है थैंक यू हैम्पर मेरा हैम्पर कहाँ है ठीक है जरा हैम्पर की तरफ चलेंगे लेकिन इसने बिल्कुल अच्छी तरह मुझे बताया नहीं हाँ वैसे सनम ने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी मैंने बहुत मैं कह रहा हूं बहुत मैंने हाथी बनाया मैंने दुम बनाई ये क्या वो क्या था ये दुम थी और ये हाथी था ये हाथी था इट्स जस्ट माय इंटेलिजेंस की मैंने गेस कर लिया योर डायरेक्टर कैन डिसाइड कि किसको मिलेगा या अभी अच्छा अभी यू जस्ट सेड इट अभी अच्छा जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो आवाम ने या आवाम से जो उल्टे सीधे सवाल किए वो क्या है आगा अली ज्यादा स्मार्ट है या टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ आगा अली टाइगर श्रॉफ आगा अली आपके ख्याल में आगा अली के फिटनेस का क्या राज है डाइट अच्छी लेते होंगे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना जिम नाइटिंग
क्या आगा अली को गाना गाना छोड़ देना चाहिए? छोड़ना तो नहीं चाहिए, बेहतर कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, गाना भी गाएं, बाकी फिल्मों में ड्रामों में भी काम करें। नहीं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आगा अली स्क्रीन पर किस हीरोइन के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं? सज्जन अली सनम जंग के साथ। अगर आप कोई एक मशवरा आगा अली को देना चाहें तो वो क्या होगा? वो काफी ओवर हो जाते हैं समटाइम्स। क्या आप गाना कंटिन्यू ही रखें? कि वो उन्होंने ड्रामेस बहुत कर लिया, मूवी की तरफ भी आए, वो एक्टिंग करते रहें। अगर आगा अली एक्टिंग छोड़कर कोई और प्रोफेशन चुने तो उनको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए? फैशन शो, मॉडलिंग, होस्ट। होस्ट मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग नहीं नहीं, इससे अच्छे क्या प्रोफेशनल होगा, ये एक्टिंग ही करें वो, बस इसी में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। ओह मैन, दैट वाज सो स्वीट। हां, ये क्या सज्जल के साथ प्ले कौन सा किया था? क्या सज्जल के साथ इनफैक्ट हमने बैक टू बैक 3 प्लेस किए थे। ओह लवली, और तुम दोनों ने को किया? नहीं, व्हाई डिड दे से सनम एंड मेबी दे थॉट कि ये भी एक अच्छा कपल है। हां, उन्होंने सोचा अच्छा ख्याल है। अच्छा, लोगों के रिएक्शन पे जब लोग, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया कि सोशल मीडिया इज आउट देयर एंड यू गेट सो मच ऑफ बैशिंग फॉर समथिंग, सो मच ऑफ लव फॉर समथिंग, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आई थिंक आई हैव बीन वेरी कॉम। आई ऑलवेज रिप्लाई देम विद रिस्पेक्ट। आई मेक श्योर दैट आई डू, आई मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय वर्ल्ड, आई मेक श्योर दैट आई मेक एन एफर्ट, मैं उस बंदे की वो गलतफहमी दूर कर दूं। हाँ, और देन ऑल्सो मे बी वो आपको बहुत थोड़ी देर के लिए देख के कहीं पे जज कर रहे थे, तो इट माइट नॉट इवन मैटर के कोई क्या जज कर रहा है, तो कभी कभी आप इंसान इग्नोर भी करता है। सनम, व्हाट डू यू थिंक, इग्नोर करना चाहिए अगर ऐसा हो? जी मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। अगर आई फील के आप जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना ऑब्वियस पीपल जस्ट कीप ऑन गोइंग क्रेजी। अगर उनको आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज निकाल लेनी है, बस वो निकल गई है ना, वो उसी पर बात होगी एंड in a week or two it will die, so I just let it be. Wonderful. I don't have the patience to lovely you know like dekhiye ji, Sanam Jung ne elan kiya hai ki wo ab morning show host nahi karengi. Kya aap unko miss karenge? Sanam Jung bahut acha program host karti hain, meri to balki favorite hain. Ha focus, main dekhta hi nahi to main miss kyun karu. Haan ji, morning show to bahut acha hota tha, isliye miss karenge, bahut shauk se dekhte hain. सनम को देसी खाना बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट डिश क्या होगी? लड़कियों को मोस्टली तो बिरयानी पसंद होती है, कराची के लोगों को तो वैसे ही बिरयानी बहुत पसंद है, तो होप सो उन्हें बिरयानी ही अच्छी लगती होगी। चिकन कढ़ाई आई थिंक मटन कढ़ाई। सनम, आपको मॉर्निंग शो में ज्यादा अच्छी लगती है या ड्रामा में? ड्रामा, मुझे दोनों में ही बहुत पसंद है, ज्यादातर मॉर्निंग शोज में। मॉर्निंग शोज में ज्यादा। अगर सनम पाकिस्तानी मूवी साइन करें तो हीरो किसको होना चाहिए? उनके साथ इमरान अब्बास, दानिश तैमूर, आगा अली, फाद मुस्तफा। कोई एक गाना जो आप सनम को डेडिकेट करना चाहें? हो सके तो मेरा एक काम करें, शाम का एक पहर मेरे नाम करें। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब है। हाँ, हम दिल दे चुके सनम। मस्त मस्त दोनों मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोनों। क्या सनम को बॉलीवुड मूवी साइन करनी चाहिए? नहीं, वो फिलहाल ड्रामे करें तो बेहतर है, ये मॉर्निंग शो। सब बॉलीवुड चल जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, इससे मकबूलियत बढ़ती है। करनी चाहिए, बड़ा प्यार है यार लोगों का, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्वेश्चंस वो जो यूजुअली हमें लिख के आए हैं तो उसी तरह से हम लोगों से सवाल really? करते हैं। हाँ, आपने वो नहीं कहा आप प्लीज ये बोलिएगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आपने देखा उल्टे सीधे भी जवाब होते हैं, तो भी वैसे जो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आई जस्ट डोंट अलाउ कि कोई डिसरिस्पेक्ट करे हमारे गेस्ट की, तो वी यूजुअली वैसे होती भी नहीं है, माशाल्लाह पीपल लव ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे आते हैं, बट सोशल मीडिया की बैशिंग या सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स आता है उसको सीरियसली लेती हो? टू सम एक्सटेंट मैं नहीं लेती थी। नहीं, एक एक सनम देखो एक यू नो तुम्हारे साथ एक चीज हुई थी जो मुझे याद है, जो लोगों ने बहुत उसका बहुत ज्यादा बुरा एक बैकलैश आया था, एंड आई नो योर इंटेंशन बिकॉज आई नो यू पर्सनली, तो मुझे मालूम है कि वो एक इंटेंशन थी नहीं उस पर, कि किसी गोरी लड़की को इन्होंने डार्क मेकअप किया था, और उसका एक ये लुक था कि डार्क मेकअप कैसा होता है पूरी दुनिया में, आई थिंक मेकअप की डिफरेंट क्वालिटीज या कलर की टोनिंग डिफरेंट है कि डार्क के लिए डिफरेंट है। नाम ही नीग्रो था। ओके ओके, बट व्हाट, हाउ डिड यू रिएक्ट? आई यूज दैट वर्ड, आई डोंट रिमेंबर इफ आई यूज्ड इट, आई ऑलवेज सेड कि आपने डार्क करना, इनकी जो स्किन टोन है इनको चेंज करना है। सो आप बेसिकली जब मेकअप कॉम्पिटिशन होते हैं ना ऐसे, तो आप हर किसी की एफर्ट होती है कि कुछ नया लाए, कुछ नया करे, तो हमें लगा ये नया है, तो हमने कहा कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए किया गया था, और कोई बिकॉज देखें टाइम लिमिटेड है, एक घंटा है, उस एक घंटे में पहले तो आपने से बेस लगानी होती थी ना, अब आपने किसी का स्किन टोन चेंज करना है, एहसन खान का स्किन टोन ये है, अब मैंने एहसन खान को चेंज करके डार्क टोन करना है, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सही है,
फिर आपको नहीं समझ आ रहा ऑरेंज बेस पहले लगाएं या फिर डायरेक्ट मैं डार्क बेस पहले लगाऊं, तो वहां बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, सिर्फ उनको पैनिक करने के लिए किया था और कुछ नहीं किया था। अच्छा, बैकलैश को कैसे फेस किया? देखो ये जो बैकलैश होता है ना, ये लाइफ चेंजिंग होता है, ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ मॉर्निंग शो होस्ट्स और अदर एक्टर्स। जिंदगी, बहुत से सोशल मीडिया स्टारलेट्स या स्टार्स हैं जिनकी जिंदगी बदल जाती है छोटी छोटी चीजों से। आई फील इट्स नॉट फेयर एसन, लाइक बिकॉज़ वी कम ऑन टीवी एंड यू नो वी आर लाइक देयर एवरी सिंगल डे फॉर 2 आवर्स, इट्स जस्ट नॉट फेयर दैट दे डोंट गिव अस अ चांस टू एक्सप्लेन और मे बी अ चांस टू यू नो जस्ट लेट गो। गलती हो गई मे बी, या फिर लाइव शो है, हो गया। अब वो एक बंदा पकड़ता है, उसके बाद पूरा इंटरनेट उसी के बारे में बात करता रहता है फॉर डेज, एंड यू जस्ट, that is quite depressing, you know, like it is, and you know, aap as it is, aapko pata hai ki rating ke liye hum ye wali cheeze kar rahe hote hain, aap khud kabhi koi kehte mujhe nahi karna, but still you, just because you're in the race and you know aapke paas wo ratings aati hain ki acha ye 15 minute mein ye cheez ki thi isne is channel ne, to main bhi ye kar, ye wala chakkar chal raha hota hai, to bahut mushkil hota hai mere liye, is tarah ho gaya tha ki wo mere liye bahut mushkil time tha, and I know somebody, I can't even say this, forget it, this I can't say this. No, I can't actually. Don't take the name. They will know that it's them, na. It's very somebody very close to me said something, jiske baare mein main bahut hurt hui. Ki you know, like you know, you. Khair, I don't know, whatever. So mujhe ye bhi hua. Kya unhone ye bola hoga ki aapne khud kyun nahi mana kar diya, ya aapne khud, why don't you take a step ke नहीं करो? नहीं नहीं, यहाँ तक तो बात डायरेक्ट उस पे चली गई थी कि यू नो कि यू नो लाइक शी इज क्वाइट रेसिस्ट, यू नो लाइक यू, आप मतलब पीपल कॉल्ड यू रेसिस्ट फॉर दैट? हाँ, सो मुझे बहुत वो हो गया था कि यार एक छोटी सी चीज़ आप सारी जिंदगी 3.5 साल आपने लगा दिए, एक दफ़ा कुछ हो गया और उसके पीछे लोग इतने पागल हो गए, और एक दफ़ा मुझे बाहर जाने में आगा, मुझे शर्म आने लगी थी, यू नो, मैं नजरें नहीं, आई वुड बी लाइक मुझे नहीं जाना डिनर पे, यू नो लाइक व्हेन आई वुड बी वॉकिंग, मुझे इतना गिल्टी फील होता था कि मैं नीचे देख, आई वुडंट आई कॉन्टैक्ट मैं मेंटेन नहीं करती थी लोगों के साथ, और एक दफ़ा एक आंटी मेरे पास आई ना, तो मैंने कहा ओह गॉड शी इज गोना टॉक अबाउट दिस, और मैं अपने मेहमानों के साथ थी, आई एम लाइक, मैं अंदर दिल से खौफ में थी, तो मैं यूँ लाइक जी जी अस्सलाम वालेकुम, एंड शी केम टू मी, शी किस्ड मी, शी इज़ लाइक आई लव यू, आई लव वॉचिंग यू, सो आई सेड ओके, तो बड़ा एक हो जाता है ना। अच्छा, ये भी कम लोगों में, मैं आपको एक बात बताऊँ सनम, ये जो गिल्ट होता है ना, जो आपने नहीं भी किया होता उसका भी गिल्ट डेवलप, दैट मींस कि यू आर अ गुड पर्सन, अदरवाइज बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि बहुत बहुत कुछ कर भी जाते हैं एंड दे डोंट केयर। मुझे एक और बात करनी है, ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, यू नो, ओनली फॉर गर्ल्स एंड वी टॉक अबाउट स्टफ एवरीथिंग, दे आर सो नेगेटिव, एस एंड दे आर सो नेगेटिव, सो मैं बस ये कहती हूँ कि यार आप कुछ भी लिखने से पहले आप एक दफ़ा बात कर लो, पूछ लो, हर चीज़ हमारे मुल्क में, इतना मुल्क में क्या, दुनिया में हम सबसे पहले नेगेटिव उठाते हैं, हम अच्छी चीज़ नहीं उठाएंगे, प्रोग्राम में 10 दफ़ा अच्छी चीज़ें होंगी, हमने कभी उसके बारे में बात ही नहीं की, हम सिर्फ नेगेटिव उठा के हाईलाइट करेंगे, बिकॉज यू वॉन्ट क्लिक्स टू, राइट? आई थिंक ये एटीट्यूड बन गया है न्यूज़ चैनल्स का भी, दूसरे लोगों का भी, कि कुछ नेगेटिव लगा दिया जान बुझ के। आगा, हाउ डू यू हैंडल कोई स्कैंडल? डू यू थिंक कि स्कैंडल बनना एक एक्टर के लिए अच्छा है या स्कैंडल बनना बुरा है? व्हाट डू यू थिंक? यार, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी आउट देयर वुड प्लान अ स्कैंडल। आई थिंक इट हैपेंस, यू नो गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, इट जस्ट हैपेंस, यू डोंट प्लान इट कि यार मैं एक और एक्ट में एक एक्टर हूँ, मैं एक्ट्रेस से एक अफेयर चलाऊंगा, देन यू नो ये बाहर आएगा, यू जस्ट ट्राई। बट डोंट यू थिंक आजकल बहुत से कपल्स पॉपुलर भी होते हैं और हो भी रहे हैं, पहले भी होते रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से लेकर टीवी में, अभी इवन आई हैव एक्सपीरियंस कि किसी के साथ आपको, हां आप देखो, यू डोंट, कोई गारंटी तो है नहीं दैट यू विल एंड अप विद दिस वन और दैट वन और दैट वन, सो कितना आप फॉर्चुनेट हो ये डिपेंड करता है कि, सो डू यू अवॉइड इट और यू जस्ट गो विद द फ्लो? क्या करते हो मतलब, अवॉइड व्हाट? इफ देयर इज अ स्कैंडल गोइंग ऑन, डू यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, डू यू अवॉइड इट, क्या करते हो? यार, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज द एज ऑफ सोशल मीडिया जो भी चल रहा है, यू कैन रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट यू ऑन योर ओन इंस्टाग्राम और एनी एल्सवेयर, सो मैं तो बहुत मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तो जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, आई थिंक उनका बड़ा एहसान है कि वो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी दे लाइक माई वर्क एंड दे अप्रिशिएट इट, एंड आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज देम, सो आई थिंक दैट सम आंसर्स दैट आई वुड A lot of money की बात करेंगे और आगा से गाना भी सुनेंगे और सनम से एक और बहुत जरूरी बात पूछनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जनाब वेलकम बैक एंड वी हैव द वंडरफुल सनम एंड आगा और बहुत मजा आ रहा है चिट चैट करने में, बहुत मजा आ रहा है बात करने में. मुझे लग नहीं रहा कि हम शो कर रहे हैं, लग रहा है अपने घर में बैठे गप कर रहे हैं इनके साथ. अच्छा रैपिड फायर गुस्से में मोबाइल फोन बहुत तोड़ती हो, तोड़ा है ना कभी? हाँ हाँ तोड़ा है, पहले एक तोड़ा है, ज्यादा तोड़े? दो तोड़े. किसके ऊपर? अपने खामन को नहीं मार दिया? नहीं, शादी से पहले के शाम से बाद. शादी से होती है ना लड़ाइयाँ, पहले होती थी यार. हाँ सब होती होंगी तब, आप लोग की हाँ, ज्यादा होती है अब या तब ज्यादा होती है? तब होती थी ना, अब तो ज्यादा इमेच्योर थे, आपको गुस्सा आ गया, यू नो वो लड़ रहा आपसे, जस्ट लाइक उसी ने मोबाइल दिया होता था बेचारा, वो कहता था यार. बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती क्यों? पता नहीं, दिल नहीं चाहता. एज इन उस तरह की सेलिब्रेशन ही कसाम के साथ डिनर पे चली जाऊंगी, फैमिली के साथ रहना पसंद करती हूँ या फिर बहुत क्लोज दोस्त के साथ. सोना शादी से पहले असली सोना जमा करने का बहुत शौक था. ये किसने बोला है? अदनान सिद्दीकी, आई एम गोना किल यू. हाँ तो किसको नहीं पसंद, यू नो सबकी होता है, तो मुझे पसंद है जमा करना. अब भी? अब नहीं, शादी से पहले. क्यों अब क्यों नहीं? अब शौक नहीं है. तो जब जमा किया था वो बांट दिया क्या? नहीं रखा है वो इतना हो गया कि अब जरूरत नहीं पड़ रही और जमा करने. बस वो आपको होता है ना, और आपको पता है मैंने एक ही दफा पहना है शादी पे, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पहना अपना, और बस जमा करके बस वो अलाय के लिए, अब वो मेरी अलाय के लिए. ओह अच्छा, लवली, दैट्स ग्रेट. बुर्का और नकाब पहन के शॉपिंग के लिए जाती हो? हाँ जी, पहले, अब नहीं. प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए सनम प्रायोरिटी क्या होती है? स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स, डायरेक्टर, को एक्टर्स पहली प्रायोरिटी. स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, को एक्टर्स, ये सब यू नो दे ऑल गो हैंड इन हैंड. मैंने पहले पूछी है ये कितना मुश्किल है. ओके स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, पैसे नहीं होते और पैसे तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ना. पैसे तो फिर बाद में आते ना, पहले ये चीज तो आपको पसंद आ जाए. कि बात पैसों की तब करेंगे जब कुछ पसंद आ गया. ठीक है, अच्छा बॉलीवुड की मूवी ऑफर हुई थी लेकिन आपने इनकार कर दिया. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही. कौन सी? पता नहीं, याद भी नहीं कितने साल हो गए. कब जब करियर शुरू किया था? दो ड्रामे कर लिए होंगे मैंने उसके. आई नो हुआ भी था. हाँ डायलॉग याद होते इसलिए मना कर दिया. नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मेरी कुछ लिमिटेड, मुझे हाँ तो क्यूट है ये डायलॉग याद नहीं, इसलिए मना कर दिया. नहीं मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मुझे लगा कि अगर वहाँ जाऊँगी तो उस, मैंने उनसे फ़ोन पे भी कहा था कि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, हमारे पास बहुत अच्छे और एक्टर्स हैं आप उनको अप्रोच कर लें, बिकॉज आई टोल्ड देम आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस. ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही किया सना, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. सो दे सेड नो प्रॉब्लम, वी विल दैट पर्टिकुलर सीन ना हम वो चीट करा लेंगे. मैंने कहा चीट तो करा लेंगे लेकिन जब वो सब लोग बैठ के देखेंगे तो लगेगा सना किया तो मैंने ही यार. हां बिकॉज यू वन एक्टर, वन होस्ट दैट आई नो हु शी इज नॉट डेस्परेट, आई नो दैट, दैट्स वंडरफुल. या लड़कों के साथ सेल्फी खिंचाते अनकंफर्टेबल हो जाती? वेल नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है ना, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो यू नो दे ट्राई टू गेट क्लोज, या फिर कोई एक्साइटेड होके हाथ रखने की कोशिश करता है, सो देन आई गेट अनकंफर्टेबल, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा डिस्टेंस. क्या ये सच है कि आज भी अकेले सफर नहीं करती? हाँ नहीं करती. क्यों? इजाज़त ही नहीं थी घर से अकेले जाने की. कमर्शियल पर जाओ तो प्लस वन साथ लेके जाओ, ड्रामे के लिए अगर इस्लामाबाद में मोहब्बत सबका सितारा हुआ था तो बहन गई थी, तो आई हैव टू लाइक बी लाइक बहनों से, मुझे आई हैव टू बैग बहन के देखो मैं तो हज़ार रुपये पर डे दे दूँगी तो मेरे साथ चलो प्लीज़, हमें नहीं जाना. और ये वो एंड अब्बू जाने नहीं देता, अब्बू कहते थे किसी को साथ लेके जाओ. हम टीवी के अलावा किसी और चैनल पर काम करने का मजा नहीं आता सच? कभी मैंने एक्चुअली काम नहीं किया किसी और चैनल पे. शुरू में दो टेलीफिल्म्स की थी, शायद एक ARY के लिए थी, बट लेकिन एक कम्फर्ट जोन होती है कि हम टीवी पे बहुत अच्छे लोग हैं, यकीनन और जगह भी बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन मैंने कभी काम ही नहीं किया तो मुझे पता नहीं. मेरे मसला है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बार बार एहसन के साथ काम करा ले. आगा को मैं जानती हूँ तो आई विल बी कंफर्टेबल अगर आगा के साथ हूँ मैं, तो इस तरह की मैं हूँ, थोड़ी सी कम्फर्ट जोन में रहती हूँ. फेवरेट एक्टर एहसन खान. But are you serious? I was just gonna. Yeah, man. Just don't say it. No, no. You mean it? Okay. एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना आपके. I like Adnan Siddiqui. Yeah, I like you as well. Okay, lovely, wonderful. Favorite actress. Can you give me options? It's your favorite actress. I know, but still. Say it. Okay, Sameena Pirzada. Okay. Playing safe. No, she's a really good actress. Would that she is? I mean, yeah.
Are you asking कि हमारी generation की favorite actors? हाँ, अगर हमारी की हो तो और भी अच्छा हो जाएगा. अच्छा, हमारी के और कौन है? सज्जल बहुत अच्छी है. Oh, she's wonderful. और सबा कमर, come on. Lovely. Yeah. हाँ, okay, great. Yeah. Okay, जी, सनम ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिए यार. हर सवाल का एक बिल्कुल accurate जवाब. Very nice. Wonderful, wonderful. आपको पता है गिफ्ट हैम्पर की तरफ ये भी लेके जाता है ना? Really? ये भी, yeah, yeah, of course. मैं कितनी honestly मैंने सब कहा. बहुत ज़्यादा. Okay, जनाब, अब बारी है आगा अली की. और आगा अली से पहला सवाल ये है कि तन्हाई पसंद हो क्यों? I don't know, destiny probably. I got to live a lot of years of my life alone. Especially क्योंकि आप एक और शहर के हैं, आप एक दूसरे शहर आते हैं काम करने के लिए, तो फिर आप बहुत धक्के वक्के खाते हैं, फिर वहीं काम शुरू हो जाता है. तो आई थिंक फ्रॉम द पास्ट 6 years तो इन स्ट्रेच मैं कराची में ही रहा हूँ. तो घर वालों को कराची पसंद नहीं है और मुझे मजबूरन यहाँ रहना पड़ता है. सो फिर अकेले रहना पड़ता है. सो आई डोंट हैव अ चॉइस टू बी ऑनेस्ट. सुना है हफ्ते में 2 बार अपना पूरा घर अपने हाथों साफ करते हो. अभी तो 2 बार से बहुत ज्यादा हो गया है. हाँ, घर थोड़ा बड़ा है. आगा झाड़ू भी लगा रहा होता है यार. मैं सब करता हूँ यार. करना चाहिए. ऑफ कोर्स एवरीथिंग. I have everything on the like a mob and all of that. Sanam, so, why are you surprised? Why not? The men I know don't do it. No. I think you do it too. No, I don't right now. But जब आप bachelor life गुजार रहे होते हैं तो बहुत मर्तबा चीजें कर. मतलब because I've lived in UK, so मैं तो अपने अभी भी मैं my father in this age he cooks for us यार. If he's alone at home, he cooks for us. You know, living abroad is different. I think जब मर्द खाना बनाता है घर में तो एक अलग ही सीन होता है. सुना चाय बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी दोस्त या कोई लड़की या कोई भी मेहमान आता है वो कहते हैं प्लीज चाय बना दो. हाँ, हमेशा. और बहुत गर्मी भी हो तो भी मैं चाय बनाता हूँ सबके लिए और मैं खुद बनाता हूँ चाय. घर वाले सोनू कहकर बुलाते हैं? घर वाले नहीं, अब सिर्फ मेरी माँ मुझे सोनू कहकर बुलाती है बिकॉज बाकी माई ब्रदर आगा कॉल्स मी आगा. योर ब्रदर इज ऑल्सो आगा. जाहिर है, my father was also. अच्छा, वो वाला. I was. Sorry. अच्छा, उसको ये लगा Agha is not your surname or it's not like a family name. It's like Agha is only a surname. No, usually Agha is come at the end, na. So and Sanam, you're right about Agha. I know Agha comes first. Yeah, and Agha एक कजलबाश जो family होती है. I don't know if you're कजलबाश, but कजलबाश family को Agha कहते हैं. Yeah. Reasons why he's doing a show like this. Shut up. That was, I know what he meant actually. First, yeah, this is good. Too funny. This is too funny. This is too funny. This is my rapid fire. Getting back to it. Yeah. Okay. क्या ये सच है कॉलेज के जमाने में एक थिएटर किया था बहुत ज्यादा उसे जरा फेम मिल गया था यूनिवर्सिटी में और फिर सोचा कि मैं हीरो बनूंगा अब? नहीं, वो एक और डायरेक्टर साहब ने सोचा, फिर मैंने सोचा. किस डायरेक्टर ने सोचा? जैन अहमद, एक as I said earlier, हाँ, एक समीना वो उनको उनसे पहली मुलाकात हुई और उन्होंने फिर कास्ट किया एक ड्रामे में. फिर वहां से ये कहानी आप पहले भी बता चुके हैं. हाँ, वहां से जोड़ के लगा देना. रिपीट टेलीकास्ट. ओके, ओके. सरम सरम को लग गई है. सरम दूसरी बात. नहीं, तुम्हें याद नहीं था तो मैं याद दिला रही हूं. एक्टर ज्यादा अच्छे हैं या सिंगर? खुद को क्या लगता है ये बताना. मुझे म्यूजिक वैसे ज्यादा अच्छा लगता है. आई थिंक इफ आई मुझे जब भी अगर चॉइस मिलती तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आई विल बी अ सिंगर. रियली? हां, बिकॉज़ यू आर अ गुड सिंगर. बट यू स्टार्टेड एक्टिंग बिफोर सिंगिंग? या, दैट्स वो अल्लाह ताला ने प्लान किया. पहले ये मिल गया. आई रियली नीडेड मनी बिकॉज़ आई हैड टू रन द फैमिली एंड हाउस एंड एवरीथिंग. सो सबसे पहले पैसे कमाने को मुझे होस्टिंग से मिले, फिर एक्टिंग से मिले. और म्यूजिक इस तरह था पाकिस्तान में उस सब अब भी ऐसे है दैट इफ यू वांट टू यू नो मेक योर डेब्यू एंड ऑल ऑफ दैट तो सबसे पहले आपको पैसे खुद लगाने होते हैं. सो वो पैसे तो थे नहीं, तो वीडियो नहीं बना सकते थे, गाना रिकॉर्ड नहीं करा सकते थे. तो फिर थोड़े पैसे मैंने कमाए और फिर लगाए और फिर अब चंद गाने लोगों के सामने आए. क्या असल में 600 रुपये लेके कराची आए थे? टू बी एग्जैक्ट इट वॉज 570 रुपीज. And my ticket actually was sent to me by a friend. So मैं यहाँ आया 2011 में और मैं उसके घर पे रहा and then it all started. So I had 570. That is amazing, yeah. Wow. Now I have a little more than that. Casting पे किसी जगह पे किसी ने ban लगाया और कहा कि अब cast नहीं करेंगे अभी. और बहुत लोगों को कहा ये. Yeah. 3 बार ban लगा. दो बार मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा कि किसने लगाया, वो फिर लगा देंगे. No, but कोई reason होगा. You must have given them a reason, man. No, the only reason was back then in Lahore when I had to come to Karachi with those 570 rupees that I was left with.
वॉज एन इंटरव्यू जो अंग्रेजी में था. बिजनेस प्लस एक चैनल आता था उस दौर में, और मैंने उसमें सिर्फ इतना कहा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि यू नो लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज, हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो यंग डायरेक्टर्स को आगे लेके आए, यंग लोगों को आगे लेके आए, सो द स्क्रीन विल चेंज, यू नो द, बिकॉज वो जो इसमें तो कोई बुराई नहीं इस बात में, पर एक बहुत सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे यासीन मलिक साहब. अच्छा, अभी वो डेथ हो गई उनकी मर्डर से पहले. उनको बहुत ही बुरा लग गया वो, बिकॉज ही यूज्ड टू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ऑल. उनको इतना बुरा लग गया कि नॉट हिंटिंग एट एनीबॉडी ना, तो नो एंड आई पर्सनलाइज नहीं था कुछ, ठीक है, आई अपोलोजाइज एंड आई सेड सर आपको नाम तो नहीं लिया, किस्मत में जो होता है ना अल्लाह ताला आपको वहां तक ले आता है. ये इफ यू आर वर्किंग हार्ड और आपकी नियत अच्छी तो मिलता है. अच्छा, सुना है प्लेस्टेशन पर काफी टाइम स्पेंड करते हो? या कितना? एक दिन में मैं रोज एक फिल्म देख के सोता हूँ. सो इफ आई अ लिटिल मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ तो फिर एक घंटा डेढ़ घंटा आई प्ले GTA और अदर गेम्स दैट आई कैन प्ले अलोन. आई ऑल्सो प्ले विद फ्रेंड्स, आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल लोनर हूँ. या अच्छा, बैंक में भी जॉब की हुई है? नहीं, बैंक में जॉब नहीं की हुई मैंने कभी. सोच रहा हूँ कोई की, कोई चला तो नहीं गया था मैं. नहीं, बैंकिंग कोई फील कोई ऐसा नथिंग? नो, आई वाज इनटू प्रोडक्शन सबसे पहले, बिकॉज़ मैं जब कराची आया था तो मुझे लगा था कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था वो आसान है और मेरा जरा थोड़ा दिमाग है उस तरफ. फिर एक दो लोगों ने मुझे काम भी दे दिया डायरेक्शन में, और मैं उन सब पैसों से म्यूजिक करना चाहता हूं. ओके, अच्छा ये इसमें रैपिड फायर का सवाल नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है जो लोग बात करते हैं. यू गॉट इल समहाउ एंड यू टुक अ ब्रेक फॉर 8 मंथ्स? यार लेना पड़ा था ब्रेक. अच्छा, इट गॉट दैट बैड? या इट इज एंड इट गॉट रियली रियली बैड, एंड इट जस्ट रिसेंटली गॉट रियली बैड अगेन व्हेन आई वाज एट उमरा. ओके, क्योंकि वहां का वेदर बहुत ही खुश, ह्यूमिड, हां खुश, ड्राई, सो वो सूट नहीं किया था. So my hands even got this, if you guys can see, the camera would hardly can see. Okay. But yeah, and it gets really bad and then it gets better. Phir bahut bura ho jata hai, phir chal jata hai. Isme ye hota hai na Agha ki aapko roz cream lagani padti hai. It's not more than that actually. Agha, isne stress kiya tha ki yaar pata nahi kya ho raha hai aur kaam, kyunki hamara to kaam ye hai yaar. Mere liye to the life, my life, my career according to me was it like bilkul khatam, finished. Because I had मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये कहा कि वो 700 से ज़्यादा निशान थे दैट यूज्ड टू ब्लीड, एंड फ्रॉम माय स्कैल्प टू माय लाइक माय फीट वाज एनीवेयर एंड एवरीवेयर. सो मैं कपड़े नहीं पहन पाता था, और यू नो आई कुडंट गेट आउट ऑफ द रूम, आई यूज्ड टू हैव जस्ट बट यू नो टॉवल्स में रहता था मैं हर वक्त. तो मुझे अब उस वक्त एक हीरो या एक यू नो रोल मॉडल बनने का ख्वाब अगर कोई देखता हो तो आई थिंक वो तो चिकना चूर होता दिखेगा ही, बिकॉज यू जस्ट ऑलवेज ब्लीडिंग एंड यू नो यू. मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ, बहुत घने बाल थे, तो अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए घने दिए थे कि वो गिर जाए आधे तो भी बचत रहे. आई विश यू ऑल द हेल्थ एंड लक यार. अच्छा, फेवरेट एक्टर? माय फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान वुड बी, आई एक्चुअली हैव मोर देन वन. एक तो इमरान अशरफ है जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर. Then Numan Bhai was, of course, you know, मैंने जब मेरा जब कमबैक हुआ सिराइसिस के बाद, so I got to do this drama with him. सबसे पहला जो मेरा कमबैक का ड्रामा था लाहौर में वो शूट हुआ था. सो नुमान एजाज के साथ में आप जब फ्रेम में होते हैं तो एक फील आता है आपको, दैट यू नो, एंड सो आई थिंक इज वेरी वेरी गुड. एंड देन आई वॉच योर ड्रामा उडारी एंड आई वाज लाइक जस्ट टोटली ब्लोन अवे. सो वो बदलता रहता है, आई गेट इंस्पायर्ड बाय. I love his expressions. Like, he's like, okay. No. I wasn't waiting for this, but. But yeah, whatever that. Okay, favorite so well. Favorite colleague that you've been with. Options are Ushna Shah, Sara Khan, or Nimra Khan. So smart, snap. He's actually evil. So smart. I think that I worked. सबसे ज़्यादा the most I asked Sarah. Your favorite out of three. I think Sara was obviously I had the maximum time, the working time with her. तो it was very, Sara is very, you know, कोई आपको कोई tension नहीं होता है set पे. और फिर उसके बाद I think Ushna, because मैंने उसके बाद Ushna के साथ दो तीन dramas में काम किया. So Sara is your favorite, Ushna is your second favorite, and Nimra is your third favorite. Yeah. Any other favorite that you have in the field, in the industry? I have a lot of favorites. Okay. There's no list. I mean, the list will go on. But to be honest, the favorite. Sir, what happened to you? No, I just wanted to tell him that तुम्हारी जो शक्ल है ना वो इतनी भोली है सर.
और तुम जो भी सवाल निकालते हो ना और कहते हो उसने हाँ वो बिल्कुल भोले नहीं और इतनी मासूम शक्ल से तुम पूछते हो जैसे कि हमें पता नहीं तुम क्या लेकिन इसको कितना एडवांटेज अपनी भोली शक्ल का और भोली आंखों का भोली जी सूरत आंखों में मस्ती ये पूरी कॉन्वर्सेशन का मतलब ही नहीं मुझे समझ आया सनम ऑलराइट ओके गाइस ओके लिसन गाइस Who wins the hamper? Who wins that? Who gave the best answers? Obviously, I do, man. Of course, I did. Oh no, come on. I mean, seriously. I mean, I didn't even turn it. Okay, guys, I have two hampers. Is that cool? Not bad. Huh? Okay, that's cool then. Sanam, you have this Damas, the gift hamper for you. Wow. Right? And Agha, you have this gift hamper for you. Oh, mine's bigger. Yes. Oh, wow. Thank you so much. Thank okay, you. Janab. Aur, nahi. Aaj sab raat ko khaoge na? Main aaj. Okay, Janab. Ye hai ki kyunki aap logon ne bahut se sawal bheje the, to humne Sanam aur Agha se mugs bhi sign karwaye hain, jo aapko pahunchenge. To Sanam and Agha, you have to sign the mug as well. अच्छा जनाब बहुत मजा आ रहा है लोगों के साथ बातें करने में दे सच ग्रेट गेस्ट्स आई स्वेयर बट ब्रेक का वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं Welcome back, guys. Welcome back. और time का honestly बिल्कुल मुझे पता नहीं चला कैसे तेज गुजर गया time. अच्छा आगा और सनम दोनों एक्टर्स हो आगा मिमिक्री बहुत अच्छी करता है कुछ करता है बिल्कुल बहुत अच्छा तुम्हारे शो पे किया था सनम हमारे शो पे भी किया है किसकी मिमिक्री कैसे पता अली साहब का क्योंकि अच्छा अली की चलो अली की चलो करते हैं अली की यार किसी की भी व्हाटएवर यू वांट टू नो डिसरिस्पेक्ट आई लव हिम आई मीन एवरीवन ऑफ कोर्स ही इज ग्रेट बट मैं कॉलेज में ये और मैं मिमिक्री नहीं करता हूं बस ये एक दो ही है जो बचपन से मेरे शौक रहे हैं मैंने कॉलेज के जमाने में अली जफर भाई के बड़े मैंने गाने मैंने सुने तो मैंने थोड़ा सा उनका असर जो है वो ले लिया बस भाई इससे ज्यादा नहीं मैं कुछ कहना अच्छा यार बिल्कुल वही आवाज निकाली वेरी नाइस सनम कभी किया मिमिक्री किया है नहीं मैं मुझे ये वाले तो टैलेंट्स है ही नहीं ना मेरे अंदर जीरो टैलेंट है मेरे अंदर बिल्कुल नहीं ना ना वी बिलीव यू आर अ वंडरफुल होस्ट सनम ऑनेस्टली हाउ स्वीट बट मैं एक बात बताऊं वैसे ही मैं कहना चाहता हूं शो पे क्योंकि हम हर जब स्टैंडर्ड रेस करने की बात करते हैं और पढ़े लिखे शो की बात करते हैं या पढ़े लिखे तरीके से डिसेंट चीज की बात करते हैं तो योर शो वाज वन ऑफ दैट शो कि मैं जब बोलता था कि सनम जो शो करती है वो बहुत डिसेंट शो होता है थोड़ा सा कंट्रोल करके कर लें बट करना तो हमें सब पड़ा बिल्कुल सही है जनाब आगे बढ़ेंगे आगा जाते जाते गाना यार कभी हो नहीं सकता आगा बैठा हम गाना ना सुन यार मेरा जो गाना भी आया उसका एक हिस्सा हाँ प्लीज गुनगुना देता हूँ मैं हारा मैं हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा बस आंसू बस ये मेरे हिस्से में है दर्द सारा सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए सारे अरमां मेरे दिल में रह गए तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा Whoa, very nice, Agha. Very nice. I think you should pursue this.
yeah. as your Thank career you. As well because you're a wonderful singer. And all the luck to you, Sanam. Thank you very much for being on the show. Thank you, Agha. It was lovely being on the show. Yeah, same here. It was amazing talking to you both. You're amazing as always. Thank you, man. Good show. Nice, casual show. Thank you, Sanam. Take care and I'll see you again. And inshallah, aap logon se next episode mein mulaqat hogi. Aur zabardast se hamare saath hamare mehmaan honge. See you guys.